कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। हम जानते हैं भारत देश विभिन्नताओं का देश है। अलग अलग संस्कृति, वेशभूषा, अलग अलग जगह का इतिहास, लोगों का रहन सहन सभी बहुत ही रोचक है। इसीलिए हमने सोचा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अलग अलग शहरों का इतिहास, वहाँ की खासियत, लोगों के जीवन, इन सभी पहलुओं से रूबरू कराया जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि जगह बदलने के साथ साथ लोगों की संस्कृति, लोगों का रहन सहन, उनके जीवन में सुख दुख का प्रवाह कैसा रहता है। और हम अपनी इस प्रवाह श्रृंखला की शुरुआत एक ऐसे शहर से करने जा रहे हैं जो विश्व का सबसे पुराना शहर है। शिवनगरी के नाम से विख्यात इस देवनगरी में सांस लेना भी सौभाग्य की बात मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी की। इसे प्राचीन समय में काशी के नाम से भी जाना जाता था। इसका वर्णन वेदों और पुराणों में भी है। इसे भारत की धार्मिक राजधानी, दीपों का शहर, मंदिरों का शहर, ज्ञान नगरी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। साल 1956 से पहले इसे बनारस के नाम से जाना जाता था, पर उसके बाद वरुणा और असी नदी के बीच स्थित होने के कारण इसका नाम बदलकर वाराणसी कर दिया गया। तो चलिए, बहुत बातें हो चुकी, अब जल्दी से चलते हैं बनारस और जानते हैं इस शहर को और करीब से। बनारस को घाटों और मंदिरों का शहर भी कहते हैं, इसीलिए हमने भी सोचा कि अपना ये सफ़र घाट से ही शुरू किया जाए। और अगर बनारस में घाटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 80 से ज़्यादा घाट हैं, जिसमें से ज़्यादा घाट जो हैं उनका इस्तेमाल स्नान और पूजा समारोह के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें से कुछ घाट इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी अपनी एक अलग इतिहास है, अपना एक अलग विशेषता है, अपनी एक अलग महत्व है। तो आज हम सिर्फ उनके बारे में आपको बताएंगे नहीं, बल्कि वहाँ ले जा करके दिखाएंगे भी कि क्या खासियत है और जानते हैं कि उनके क्या क्या इतिहास है उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो नदियाँ हैं जो शहर के दोनों छोरों पर हैं। एक है वरुणा, एक है असी, और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर आकर गंगा नदी से मिलती हैं और इन्हीं दोनों नदियों को जोड़कर इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा। और इसीलिए आज हम इस समय हैं असी घाट पर। अच्छा, इसके पीछे एक और मान्यता भी है इस घाट को लेकर के कि देवी दुर्गा ने जब राक्षस शुम्भ और निशुम्ब का वध किया था, वध करने के बाद उन्होंने उनकी तलवार को इसी स्थान पर फेंका था और जहां उन्होंने उस तलवार को फेंका था उसी का नाम असी नदी हो गया था। मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं यहाँ बनारस में पैदा ही हुआ था, बचपन से यही हूँ, लेकिन मेरा एजुकेशन मैंने यहाँ इंटरमीडिएट तक किया है। मेरा एजुकेशन फर्दर क्वालिफिकेशन एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली गया था, वहाँ से मैंने बीटेक करा है, फिर वहीं पे एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ एज ए ओरेकल DBA। सो बेसिकली यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी छुट्टियाँ मिली थी, इस वजह से मैंने सोचा चलते हैं अपने बर्थ प्लेस पे। थोड़ा होम टाउन है, आपने बताया आप बचपन आपका यही गुजरा है, ये बनारस इतना फेमस क्यों है कि जो इतने लोग यहाँ पे आते हैं? बनारस कहिए तो घाटों का पूरा एक शहर है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर का जो एक फेवरेट प्लेस था वो बनारस है, जो उनके त्रिशूल के उस पर टिका हुआ है, ऐसी लोगों की मान्यता है। और यहाँ पे एक आते ही एक अलग सा एक इनर जो होता है कि आप अध्यात्म की तरफ मूव ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ये ऐसा फील आने लगता है। जैसे यहाँ पे सुबह और शाम जब आते हैं, यहाँ पे आरती चलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अच्छा लगता है। आध्यात्म की आपने बात की, आध्यात्म का मनुष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आध्यात्म ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब अपने ये जो आसपास इन्वायरमेंट में जैसे होते हैं, फिर आप काम करते हो, जैसे हम आईटी सेक्टर में हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, तो उसकी वजह से फिर आप जब मूव करते हो आध्यात्म की तरफ तो एक पीस आता है कि आपका इनर पीस होना चाहिए, होता है कि आपको इनर पीस चाहिए, माइंड शांत होना चाहिए। जैसे मैंने प्रेम रावत जी को भी सुना है, तो वो एक बात करते हैं कि आपका इनर पीस होना चाहिए इन सब से अलग, जो आप डेली रूटीन में कार्य करते हैं, सब एक परिवार के साथ कार्य करते हैं, इससे अलग एक इनर पीस होना चाहिए, जो बहुत ही उनके जो सारे सत्संग होते हैं, जो वो अपने लोगों को संबोधित करते हैं, तो जब वो संबोधित करते हैं तो एक इनर पीस की बात करते हैं, जो बहुत ही सेटिस्फैक्शन भरा होता है कि आप इससे टेंशन से फ्री होते हो। वो आपकी बात करते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या नीड्स हैं आपकी, क्या वांट्स हैं, तो ये एक इनर पीस है। अस्सी घाट से होकर अब हम आ चुके हैं तुलसी घाट पर। ऐसा कहा जाता है कि इसी घाट पर तुलसीदास जी द्वारा जो रामायण संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसका अनुवाद हिंदी में रामचरित मानस के रूप में किया गया था और उनका सारा जीवन भी यहीं पर व्यतीत हुआ। उन्होंने इस घाट के पास ही हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की, जो इस समय संकट मोचन मंदिर के नाम से भी जानी जाती है। यही नहीं, ऐसा भी सुनने में आया है कि इसी घाट के पास ही तुलसीदास जी के नाम पर ही एक अखाड़ा भी है, तो हमको चलते हैं वहाँ अखाड़े में भी और जानते हैं तुलसीदास जी के जीवन के बारे में और ज़्यादा कुछ। घाट पर ही घूमते घूमते हमें पंडित जी मिले हैं और ये यहाँ पे काफ़ी समय से पूजा का कार्य करते हैं। तो आइए जरा इनसे भी पूछते हैं कि बनारस के बारे में क्या क्या खासियत है यहाँ की। जी नमस्कार, तो जरा अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं पहले। जी, हमारा नाम प्रदीप तिवारी है, पंडित प्रदीप तिवारी। हम श्री एडवीएस संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं और अपने पिताजी के स्थान पर बैठे हैं अभी। हमारे आपके पिताजी भी यही कार्य करते हैं? हाँ, हमारे पिताजी शुरू से ही पूजा पाठ करते हैं, सारा पूजा पाठ। अच्छा, तो बनारस क्यों इतना प्रसिद्ध है कि देश दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं? बनारस तो दो तरह से प्रसिद्ध है। एक तो भाई ये काशी की नगरी है, यहाँ पे गंगा बसती है, और दूसरा भाई 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे उपस्थित है। शंकर जी उपस्थित है, खुद स्वयं शंकर जी उपस्थित है। कहा जाता है कि शंकर जी एकदम साक्षात स्वरूप यहाँ पे उपस्थित है, तो इस वजह से ही बनारसी प्रसिद्ध है, आप समझ ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दशासुमेध घाट पर, जो कि बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट है, सबसे शानदार घाट है, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल नज़दीक का घाट है। इस घाट से संबंधित पौराणिक दो कथाएं फेमस हैं। पहली, ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण भगवान शिव के स्वागत में कराया था। अच्छा, दूसरे के अनुसार ब्रह्मा जी ने 10 अश्वों की बलि दी थी अश्वमेघ यज्ञ में, इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। और प्रतिदिन इसीलिए यहाँ पर भगवान शिव नदी गंगा, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आरती की जाती है, जो कि यहाँ की सबसे फेमस आरती है, सबसे प्रसिद्ध आरती है। तो परेशान मत होइए, हम आपको बताएंगे ही नहीं सिर्फ, बल्कि दिखाएंगे भी, क्योंकि देखिए आरती की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो बस जल्दी ही जल्दी हम लोग मिलते हैं आरती में। अभी हम हैं मान मंदिर घाट पर। इस घाट का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1770 में कराया था। इस घाट के ऊपर मानसिंह जी का महल भी है, जो कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। पुराने ज़माने में इस महल के अंदर एक बहुत ही अच्छी वेधशाला हुआ करती थी, पर इस समय इस महल को और उस वेधशाला को एक अच्छे म्यूज़ियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आइए आपको वो म्यूज़ियम भी दिखाते हैं। अभी हम हैं मान मंदिर घाट पे, मान महल में, और आपको एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं, नई चीज़। आपको आधुनिकता और पुराने वाद्य यंत्रों का नया मेल दिखाते हैं। आइए, हम अगर इसको टच करे रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट प्ले होना शुरू हो जाएगा, है ना? अच्छी चीज़। मन में और आ रहा है कुछ करने के। देखिए, ढोलक भी शुरू हो गई। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पुरानी घड़ी। हमारा भारत, पुराने समय में भारत का विज्ञान कितना आगे था इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि सूरज की रोशनी से भी हम पता कर सकते थे कि समय क्या हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। प्रवाह के अगले एपिसोड में एक नई जगह, कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।